तो गाइस फाइनली ये है XUV 700 स्कॉर्पियो। तो जैसे कि देख सकते हो, खैर इसको डिलीवर करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है यार फाइनली। तो गाइस फाइनली ये महिंद्रा XUV जो कि ऑटोमेटिक कार है, देख सकते हो मिडिल न्यूट्रल बैक गियर और ये पार्किंग। तो गाइस ये रहा ऑटो मूवर्स और यहीं पर हमारी गाड़ी होगी खाली। तो हे गाइस कैसा आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग यार करते हैं कंटिन्यू। तो ये आपको जो दिख रहा है मेरे पीछे, ये गोदाउन है महिंद्रा का ऑटो मूवर्स। ये ऑटो मूवर्स यार वो खड़ी है अपनी गाड़ी, तो देखते हैं अभी कब तक गाड़ी खाली होती है यार। अभी लगभग सुबह में 6 बजे आ गया, वहाँ से 4 बजे चला था होटल से और 6 बजे खाली वाले अनलोडिंग पॉइंट पे आ गया यार। ये महिंद्रा यहाँ पे यार महिंद्रा का ना ये ऑटो मूवर्स का वो है गोदाउन है और ये है अपनी गाड़ी। तो गाइस यार अभी सुबह का नज़ारा है, थोड़ा सुबह का नज़ारा देख सकते हो, साइडों साइडों से पेड़ लगे हैं और ये है सर्विस रोड, ये पूरा सर्विस रोड। तो यार यहाँ पे आने के लिए यार बरेली का जो कट देता है, बरेली का कट आगे आगे फिर सामने आपको मारुति का उसका शोरूम दिखेगा, वहाँ से आपको सर्विस रोड लेना है और सर्विस रोड लेके वहाँ से आधा किलोमीटर और आगे आओगे 500 मीटर तो यार ये ऑटो मूवर्स करके जो गोदाउन है ये यहाँ पे पड़ेगा और इसका शोरूम जो है वो सिटी में है। तो गाइस अभी यार टाइम लगेगा लगभग खाली होने में, क्योंकि 10 बजे या 10:30 बजे तक बच सकते हैं, यानी डीलर आएंगे और फिर उसके बाद खाली करेंगे। तो खाली करते हुए मेरे हिसाब से 12 बज जाएंगे, 12 और 1। यार अभी सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा ठंड भी है और मौसम भी अच्छा है, मीठा मौसम बोलते हैं ना, मीठा मौसम तो ऐसा वैसा है। तो गाइस यार देख सकते हैं यहाँ का कुछ सीन्स और ये रोड है हैदराबाद वाला रोड। तो यार चलते हैं फिर गाड़ी के अंदर और रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, जब आएंगे उसके बाद खाली होगा। तो गाइस ये रोड फैजाबाद बस्ती गोरखपुर जाता है, ये बाईपास है, देख सकते हो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और हमें तो यहीं पे खाली करना था, हम रुक गए। अब देखते हैं कब तक गाड़ी हमारी खाली होती है और कब तक नहीं। तो गाइस पहले एक बार हमारे गाड़ी का लुकिंग चेक करो। यार ये रही हमारी गाड़ी और चलते हैं अब अंदर बैठते हैं, आराम करते हैं, जब आएंगे तब खाली होगा। खाली होगा लगभग 10 बजे और चलते हैं तब तक यार चाय पानी कुछ पी के आते हैं, क्योंकि यार बुखार रहा भी नहीं जाएगा यार। लगभग 500 मीटर वहाँ पे यार है होटल दुकान वगैरह, तो चलते हैं फाइनली चाय साय पीते हैं और इंतज़ार करते हैं यार। लखनऊ है लखनऊ यार, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है खाली करने में और कितना टाइम। तो गाइस अभी लखनऊ का टेम्परेचर है यार मेरे हिसाब से 32-35 से प्लस होगा, क्योंकि यार कुछ टाइम में पसीने हो जा रहे हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है। और अभी यार इस तरह से अपना डेरा जम्बल जमाए बैठा हूँ, देख सकते हो गर्मी बहुत हो रही है यार, गर्मी है गर्मी यार, हालत पंचर है। चलो यार चलते हैं नीचे और पेपर ऊपर फाइनली जमा हो गया,
फिर उसके बाद मेरे हिसाब से 10-5 मिनट में बोलेंगे उसे उतारने के लिए, फिर गाड़ी को उतारेंगे, खाली करेंगे फटाफट, तब तक चलते हैं उन छांव में बैठते हैं पेड़ के नीचे। यार बहुत गर्मी हो रही है और देख रहे हो रोड पे गाड़ियाँ पूरी लगातार जा रही है। पीछे खंबा देखना, आओ चलो। तो गाइस फाइनली ये है XUV 700 स्कॉर्पियो। तो जैसे कि देख सकते हो, यार इसको डिलीवर करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो यार फाइनली ये गाड़ी रही, और 6 गाड़ियाँ हैं, अभी 2 अंदर है और 3 ऊपर। तो फाइनली गाइस इसको फटाफट खाली करते हैं, खाली करके और आगे बढ़ते हैं। यार इसका ये लॉक है, यार ये कार का लुकिंग है। तो गाइस ये फाइनली पीछे का, अभी आपको दिखाता हूँ। ये भाई अपना डैशबोर्ड, एसी फुल चिल्ड चालू हो गया, ये अपना डैशबोर्ड है पूरा। और भाई ये इसका की है, कैसा लगा गाइस हमारा मजाक। ये होती है ट्रक लाइफ, ट्रक में तो जाने में मैं मतलब एकदम गर्मी होती है, पर यहाँ पे पूरा चिल देसी फुल और महिंद्रा XUV आराम से चलाओ, मस्त चलते रहो और खाली करो। यार पूरा फुल एसी किया हूँ मस्त, और खाली करने जा रहा हूँ। 2 कार उतार ली, ये तीसरी है नीचे वाली, अभी 3 कार अभी बाकी है। अगर कभी कभी मैंने कार नहीं चलाई थी तो आज कार चला ली। तो चलो यार ये गाड़ी पार्क कर दी, अब चिल्ली से बंद करते हैं और निकलते हैं, चलते हैं फिर दूसरी कार लाते हैं गाइस। तो गाइस यार जैसे कि देख सकते हो नीचे के 3 कार उतार दी और 3 कार अभी ऊपर की बाकी है, पर इसको भी उतार लेते हैं फटाफट। 2, 1, 2 और 1 सबसे आगे 3, यार उतारते हैं फटाफट। यार गर्मी बहुत है यहाँ पे और जितना जल्दी उतार लेंगे उतना जल्दी यार हमें ही फायदा हो जाएगा, उतना जल्दी आराम करेंगे यार, रात में सोए भी नहीं अभी तक। चलो फिर फटाफट उतारते हैं कार को, उसके बाद हम मिलते हैं। प्यार अंदर जा रही है वहाँ पे। तो गाइस फाइनली ये महिंद्रा XUV जो कि ऑटोमेटिक कार है, देख सकते हो मीडियल न्यूट्रल बैक गियर और ये पार्किंग, और यार पूरा ऑटोमेटिक है। यहाँ से ये सीट जो होती है ये पीछे होती है, देखते हो पीछे वैसे हो रही है, और यहाँ से ये ऊपर हो जाएगी और यहाँ से शीशा खुल जाएगा, यहाँ से लॉक हो जाता है और ये शीशा यहाँ से ऊपर और नीचे होता है। तो गाइस चलते हैं इसको भी यार पार्क करते हैं, और यहाँ पे है ये स्क्रीन बैक कैमरे का। तो चलो फिर गाइस निकलते हैं, अब यार चलते हैं ड्राइव बैक गियर और धीरे धीरे करके निकलते हैं। यार क्या है ना गाइस, धीरे धीरे यार लेके चलेंगे सही रहेगा, नहीं तो अभी थोड़ा अपनी औकात दिखाएंगे यानी स्पीड लगाएंगे तभी थोड़ा सा स्क्रेच वगैरह लगेगा ना, फिर बहुत दिक्कत होगा।
इसके लिए आराम आराम से यार चल के जिसकी कार है उसके लिए पार्क कर देते हैं। सोने जा रहा हूँ क्योंकि यार टाइमिंग हो गया 11 और कल भी नहीं सोया था अच्छे से और आज यार है थोड़ा टाइम सो लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके खड़ा हुए होना होने पड़ेगा गुड़गांव में मानेसर में तो यहीं पे सो लेंगे फिर कल सुबह आराम से उठेंगे फिर निकलेंगे। तो गाइस यार आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड जय हिंद।